बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन की अनदेखी और लापरवाही का खामियाजा परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब बच्चे भुगत रहे हैं। अगर बेसिक शिक्षा का बजट बढ़ाकर बेसिक शिक्षा में ईमानदारी से लगा दिया जाए और प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को पूरा कर शिक्षकों से सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का काम लिया जाए तो विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बढ़ सकता है, लेकिन अधिकांश विद्यालयों में बेसिक शिक्षा की व्यवस्था 1 से 5 तक संयुक्त रूप से कराई जा रही है और यही कारण है कि बच्चे सामान्य ज्ञान तक में दक्ष नहीं है, जिसका जीता जागता प्रमाण पुलिस लाइन आगरा में संचालित प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? प्रिया। कौन सी क्लास में हो? 5th में। 5th में। यहाँ डीएम साहब आते हैं, SSP साहब आते हैं? क्या नाम है डीएम साहब का बताओ? नाम नहीं, डीएम साहब जो आए, क्या नाम? करण। करण। करण सर आए हैं डीएम। क्या बेटा तुम्हारा? वंशिका। वंशिका, कौन सी कक्षा में हो? डीएम साहब का क्या नाम है पता है? अच्छा, अपनी मैडम का नाम बताओ। नवीश। क्या पढ़ाती है मैडम आपको बताओ? डरो मत, कैमरा देख के मत डरो। अच्छा चलिए, राष्ट्रपति का नाम बताइए। मुख्यमंत्री का नाम बताइए। कौन है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री? मोदी। मोदी मुख्यमंत्री है? नहीं, बता दो क्या। अच्छा, इंग्लिश जानते हो? नहीं जानते हो? इंग्लिश पढ़ाते हैं यहाँ पर? इंग्लिश नहीं पढ़ाते? इंग्लिश पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं? अच्छा, तो कुछ भी नहीं जानते इंग्लिश में? आई दी जी जानते हैं, वो सब्जियों के नाम जानते हैं। नाम जानते हैं? अच्छा, चलो पांच पांच वेजिटेबल का नाम बताओ। पांच वेजिटेबल सब्जी POTATO, पोटैटो पोटैटो मींस आलू, और बी वो ORNG नहीं, विद्यालय में तमाम कमियों के बावजूद शिक्षक संसाधनों के अभाव में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा की बेहतरी के लिए गंभीर नजर नहीं आ रहा है। विद्यालय की प्रधानाध्यापक ने विद्यालय में व्याप्त कमियों और अच्छाइयों को कुछ इस तरह बयां किया। पूरा परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम नरगिस बेगम है, मैं यहाँ की हेड प्रधानाध्यापक हूँ, प्राथमिक विद्यालय पुलिस लाइन में। मेरा नाम नरगिस बेगम है, यहाँ हेड मतलब प्रधान अध्यापक हूँ। बच्चे पंक्ति करते हैं यहाँ 55 55 रहते कितने हैं अगर उपस्थिति की बात करें तो? उपस्थिति 42 45 46, कभी कभी तो बहुत हो, पूरी पूरी हो जाती है, मतलब 5-6 कम रहते हैं, 50 तक हो जाती है। अगर बच्चों की सुविधाओं की बात करें तो कितनी सुविधाओं से वंचित है? बच्चे हमारे सुविधाओं से बहुत वंचित है, यहाँ सुविधाएं कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चे इतनी दूर से आते हैं। अब ये चारों तरफ की गेट बाउंड्री हो रही है, अब बच्चे हमारे ये सवाल हमसे कर रहे हैं। उस दिन गार्जियंस भी आए थे और RI साहब के पास भी गए थे कि कहने हैं कि हम बच्चों के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, ऑन रोड से आएंगे तो वहाँ पर एक्सीडेंट का उनको डर है, कोई बात हो सकती है तो इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, लेकिन RI साहब ने मना कर दिया, गेट नहीं लगवाई है। हमने उनसे कहा था गेट लगवा दिए, एक चाबी हमें दे दिए और हम अपने टाइम से खोल के और टाइम से बंद करके चले जाएंगे, तो इस बात को उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते, आप अपने करिए जो भी कर सकते हैं विभाग से। और अगर स्कूल में बात करें तो स्कूल में क्या सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? सुविधा ये है कि स्कूल, वैसे तो सारी सुविधाएं हैं स्कूल में उपलब्ध, लेकिन एक सुविधा बस यही है कि बिल्डिंग थोड़ी जर्जर है और जिसमें कुछ चाहिए मेंटेनेंस के लिए, जितना मेंटेनेंस आता है उस हिसाब से हम लोगों ने अपना इतना कर रखा है। तो खतरा भी बना हुआ? खतरा 3 कमरे तो सही हैं, 2 कमरे जर्जर हैं, जो इसमें हम लोगों ने यूज नहीं करते, इस्तेमाल ही नहीं करते उनको। बच्चों की पढ़ाई की योग्यता की बात करें, अभी फिलहाल सरकार भी जोर दे रही है निपुण भारत लक्ष्य पाने के लिए, तो उस पर कितना काम कर रहे हैं आप लोग? निपुण भारत में ही लगे हुए हैं हम लोग, बच्चों को बस यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरह सीखें, कुछ भी सीखें सीखें, लेकिन बच्चे हमारे अच्छे हैं, जो हम लोग बता रहे हैं उसको कवर कर रहे हैं। घर गार्जियन से को भी बुलाकर हम बात करते हैं, SMC की मैट्रिक मीटिंग होती है, विभाग मीटिंग होती है, उनमें भी गार्जियन से कहते हैं कि आप लोग भी ध्यान दीजिए थोड़ा, तो वो लोग भी दे रहे हैं, थोड़े बच्चे सही स्तर निकल रहा है थोड़ा। स्कूल के भले के कुछ आप चाहते हो ऐसा कुछ? हाँ, हम स्कूल में ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल में भले के लिए, हमारे यहाँ जूनियर स्कूल नहीं है, जिससे हमारे 5वें के बच्चे जाना नहीं चाहते, हमारे स्कूल से रोते हैं,
कई 3-4 साल से हमारे पिछले साल के बच्चे हैं, इन्होंने एडमिशन कहीं नहीं लिया है। उन्हें बुला बुला के हम थक गए, हम कहीं करवा दें एडमिशन, हम कह रहे नहीं आप असर पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे। जूनियर ये बिल्डिंग पीछे जो है ये जर्जर जो है ये जूनियर ही की है। यहाँ से हटा दिया वो? जी यहाँ से हट चुका है वो, शायद रुई की मंडी पहुँच गया है। आप चाहते हैं वो यहाँ? हाँ बिल्कुल, हमारे में जूनियर हो जाए तो हमारे बच्चे जो हमसे रोते हैं जाते टाइम लोगों के साथ, और वो बार बार कहते हैं गार्जियंस भी कि आप रखिए मैडम हमारे, कम से कम 40-50 बच्चा हमारा इस तरह से वंचित है पढ़ाई से। अगर हम शहरी क्षेत्र के विद्यालय मैनेजर डालें तो शिक्षा मित्र बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी बड़े ईमानदारी से निभा रही है, जिसका प्रमाण प्राथमिक विद्यालय प्राचीन माइथन आगरा को मान सकते हैं। इस विद्यालय की पूरी जिम्मेदारी दो शिक्षा मित्रों पर है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का ज्ञान तारीफ के काबिल है। बताओ दो की कम दो, दो दुनी, दो दुनी चार, दो तिया छह, दो चौका, दो अट्ठे सोलह, सोलह मटारे, दो ढाई बीस। कोई सी क्लास में नहीं हूँ इसी क्लास। अच्छा क्या क्या नाम है? दीप्ति। दीप्ति नाम है। अच्छा पोयम सुनाओ। पोयम किट 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 करते दा निकलना पाती मुँह से बात, थर 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 कापे आम आए जाए टूट रहे हैं। अच्छा और कोई सुनाओ पूरा से जैसे। और कोई सुनाओ। अच्छा ठीक है। तितली की सुनाओ। तितली की तितली उड़ी उड़ी ना सकी, बस में चढ़ी सीट ना मिली, सीट ना मिली तो रोने लगी। ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश, हट बदमाश मेरा घर है पास। तू 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 जो तू तू शिव तू पूजे तू पायदान तू शिव जगाल तू संग पूर्ति तू जो शक्ति तू रंजीति तू संग तोंती। शिक्षा मित्रों की जा रही उपेक्षा से शिक्षा मित्र खासे दुखी और परेशान है। 10,000 के वेतन में शिक्षा मित्रों से 60,000 वेतन वाले शिक्षक का काम लिया जा रहा है। माइथान प्राथमिक विद्यालय में सौंदर्यकरण, नए कक्षा भवन बनाकर धन का दुरुपयोग किया गया है। बच्चों के सापेक्ष यहाँ नए भवन निर्माण की आवश्यकता नजर नहीं आती। विद्यालय संचालित कर रही शिक्षा मित्र रेखा वर्मा ने विद्यालय की जानकारी दी। मेरा नाम रेखा वर्मा, मैं प्रारंभिक विद्यालय प्राचीन माइथान में शिक्षा मित्र के पद पर 10 साल से कार्यरत हूँ इस विद्यालय में। कैसी स्थिति है यहाँ की विद्यालय की, क्या है? विद्यालय की स्थिति पहले से तो बहुत अच्छी है। मैं पहले आई थी तो बिल्कुल टूटा हुआ था, ये खंडर था विद्यालय आज से 10 साल पहले। अब तांडव है यहाँ पर, तांडव की बात है। यहाँ पे तांडव बंदरों का सबसे ज्यादा है, बंदरों की वजह से यहाँ थोड़ी बच्चों की पढ़ाई में कमी आती है। यहाँ जो बच्चे हैं कितने पंजीकृत हैं? बच्चे तो इस समय यहाँ पे 38 बच्चे पंजीकृत हैं। नए भवन बने हैं वहाँ क्यों नहीं पढ़ाते हैं? नए भवन में इसीलिए नहीं हम बैठ पाते हैं कि मतलब उसमें ना ये जाली वाले गेट नहीं लगे हैं। वैसे तो सारी सुविधाएं हैं उधर नए वाले पोर्शन में, सब कुछ बढ़िया बना है, फर्स्ट क्लास विद्यालय भी अच्छा है। बस वो बंदरों की वजह से जाली के गेट ना होने के कारण खिड़कियों में, तो हम बच्चों को वहाँ पे ले जाके पढ़ा नहीं पाते हैं। क्योंकि हम शुरू शुरू में बैठे थे तो बंदर दो बच्चों को तो खा गए थे, तो इस वजह से किसी की चप्पल ले जाते हैं, किसी का टिफिन ले जाते हैं, किसी का बैग ले जा रहे हैं, तो इस वजह से हम बच्चों को वहाँ नहीं बैठा पा रहे हैं। अगर शासन प्रशासन चाहे तो बेसिक शिक्षा की सूरत और सीरत दोनों बदल सकती है। अगर इन सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल की तरह शिक्षा के बेहतर संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएं तो गरीब बच्चे भी योग्य साबित हो सकते हैं। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह रिपोर्ट।